गाइस पीएफपी नंबर 9 को देखिएगा। पीएफपी नंबर 9 आपसे क्या कह रहा, अ स्ट्रेस ऑफ 1 किलोग्राम पर एमएम, ओह स्ट्रेस दे रखी है आपको, ये किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर में दे रखी है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, गलत दे रखी है ना किलोग्राम में, किलोग्राम में तो होती नहीं है, न्यूटन पर एमएम में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने मास को मास ही रहने दिया, न्यूटन में कन्वर्ट नहीं किया, कर लेंगे हम, कर लेंगे। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, सबसे पहला आपको यहाँ पर स्ट्रेस दिया हुआ है, कितना है 1 किलोग्राम पर एमएम का स्क्वायर। अब आपको पता है एम मास लटका हुआ होगा या फिर एम मास होगा और आप दबाना चाह रहे हो उस एम मास के थ्रू, तो आप कितने न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करोगे, सवाल मेरा ये है। देखो अ स्ट्रेस ऑफ इतने किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ विच यंग्स मॉडुलस इतना, देखो यंग्स मॉडुलस दे रखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो स्ट्रेस को भी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता किलोग्राम है, इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दी तो अब ये न्यूटन में हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एमएम है, एक एमएम जो होता है वो 10^-3 मीटर के बराबर होता है, चूँकि स्क्वायर है तो आप यहाँ लगा दोगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके सामने 9.8/10^-6, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9.8×10^+6 ये हो जाएगा स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो आपके पास स्ट्रेस आ चुकी है भैया, स्ट्रेस आ चुकी है। अब आप आगे देखो, आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आगे देखो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ। ओहो, अब आपके लिए ये बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से आपको स्ट्रेन चाहिए, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन गामा। अब आप पहले फ्रैक्शनल चेंज देख लो स्ट्रेन के अंदर, सॉरी लेंथ के अंदर कितनी आई, तो आपके पास स्ट्रेस अपॉन गामा है। चलो फ्रैक्शनल ना, हाथ हाथ परसेंटेज चेंज देखो, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये स्ट्रेस अपॉन गामा की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, स्ट्रेस अपॉन गामा की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 100 के साथ। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 9.8×10^10^, सही लिखा हुआ ना, बिल्कुल सही है, स्ट्रेस अपॉन गामा 9.8×10^6, ये स्ट्रेस आ गई। और आपके पास गामा कितना देखा, गामा मतलब यंग्स मॉडुलस, इधर का आपको 10^11 और ये 10^2 है, मिला के लिखेंगे तो 10^ कितना हो जाएगा 8 और नीचे कितना 10^11, तो 8, 9, 10, 11 नीचे 3 जीरो बचेंगे, कितने जीरो बचेंगे 3 जीरो, तो आप उसको कह सकते हैं 9.8/3 जीरो का मतलब है ये कुछ इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 3 जीरो से डिवाइड करोगे 9.8 को, तो पॉइंट जो है 3 प्लेस इधर को आएगा, तो 1, 2, 3 प्लेस आएगा, तो आप कैसे दिखाओगे इसको 0.98 ऐसे रहने, तो 3 प्लेस का मतलब ये है 1 प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस, ये तो हो गया 0.00, क्योंकि यहाँ था 1, 2, 3 प्लेस, तो वैल्यू आ जाएगी ये, और वो भी परसेंटेज में। तो आपके पास क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये किसके बराबर हो जाएगा 0.0098%। अगर किसी को डाउट है तो बहुत मोटा सा कमेंट मार दो फेंक के, और अगर डाउट नहीं है तो बहुत बड़ा सा लाइक मार दो फेंक के, और सब्सक्राइब वाले बटन पर लात घूंसे बचा दो, आपका सब्सक्राइब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट यार, ईमानदारी से कमेंट करो। थैंक यू सो मच।